Welcome to MBive Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, again, I welcome you to this very, very important session of Daily Current Affairs. चलिए वे सबके सब live आ जाइए warriors. जितने लोग पहली बार channel पे आए, channel को subscribe करिए, share करिए अपने friends के साथ, ताकि वो भी हमारे channel के साथ जुड़ सकें. बहुत important जो है आज की भी class होने वाली है, important current affairs जो है आज हम discuss करेंगे. तो सबके सब जल्दी जल्दी आ जाइए warriors. आपका जो लक्ष्य बैच है 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं warriors. ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बेसिकली आपका पूरा सिलेबस जो है कवर होगा और टाइम टेबल जो है आपका सामने है, आप इसको सेव कर सकते हैं. चलिए वेरी गुड. एंड वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल इज अब जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं अनलॉक 20 से 20% तक का डिस्काउंट MBive Simple के सब्सक्रिप्शन पे. एंड अगर आपके पास MBMs है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. उसके अलावा वॉरियर्स जो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए पैक होता है, दैट इज़ अगेन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको पड़ता है 499 पर मंथ के हिसाब से. चलिए वे क्लास स्टार्ट करते हैं एवरीवन. फर्स्ट करंट अफेयर्स जो आपके सामने हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, इनका आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स. अजरबैजान आर्मी पार्टिसिपेट इन बर्लस्टिक 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन कजाकिस्तान. ये आपको ध्यान रखना, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है. टू पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशनल एक्सरसाइज, टेक्टिकल कमांड स्टाफ एक्सरसाइज जिसका नाम है बर्लस्टिक 2024, पर्सनल फ्रॉम अजरबैजानी आर्मी हैव ट्रेवल्ड टू कजाकिस्तान. तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है. साथ ही साथ the Oemsha training site and Cape Tokmak in the Caspian Sea will host this combined military exercise which has a date of 11 to 17 July. तो ये भी चीज़ आपको वॉरियर्स ध्यान में रखनी है कि 11 से लेकर 17 तक जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी. और अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें अजरबैजान आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, उस एक्सरसाइज का नाम क्या था, तो नाम भी वॉरियर्स आपको ध्यान में रखना है. उस एक्सरसाइज का नाम आपको ध्यान रखना, दैट इज अगेन बर्लस्टिक. उस एक्सरसाइज का नाम है 2024 और जिसमें कि अजरबैजानी आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. द अजरबैजानी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्रीज आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस एक्सरसाइज. अजरबैजान कंटिंजेंट इंक्लूड्स कमांडो यूनिट्स फ्रॉम द लैंड फोर्सेस, पैराशूट डिसेंट एंड सर्च रेस्क्यू सर्विस पर्सनल, Su-25 एयरक्राफ्ट फ्रॉम द एयरफोर्स एंड पेट्रोल एंड डिसेंट शिप्स फ्रॉम द नेवी. तो इसमें अलग अलग नेवीज के पार्टिसिपेशन हुआ है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल. अब ये भी जो है आपको नेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, द 16th फाइनेंस कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 16th फाइनेंस कमीशन has constituted an advisory council with 5 members to advise the commission on any of the terms of reference or related subjects. ये आपको ध्यान रखना है. Finance commission as per the TOR, that is terms of reference, also suggest measures to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of panchayats and municipalities. तो किस चीज़ के ऊपर focus किया गया है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी आपको ध्यान में रखना है. चलिए भाई आगे बढ़ेंगे. एडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स कौन कौन रहेंगे इसमें? पूनम गुप्ता, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, हैज बीन अपॉइंटेड एज द कन्वीनर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल.
The other members are D.K. Srivastav, Chief Policy Advisor at EY, Neelkant Mishra, Chief Economic at Axis Bank, Pranjal Bhandari, Chief India Economist, ये आपको ध्यान रखना है, at HSBC में है वो, and Rahul Bajoria, MD and Head of EM Asia, Ex-China Economics at Barclays. तो ये 5 members की जो है कमेटी बिठाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. The world's most expensive cities to live in, Singapore and Hong Kong. Very important news. इसको मैं mark कर देता हूँ. तो based on the Merkur's cost of living data analysis, the most expensive cities for foreign workers in 2024 are Hong Kong and Singapore and Zurich. ठीक है, तो exam में पूछा जा सकता है Merkur's के हिसाब से कौन सी cities सबसे ज़्यादा महंगी है foreign workers के लिए. तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर जो है और हांगकॉन्ग जो है और ज्यूरिख जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सिटीज़ है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जहाँ पे इंटरनेशनल वर्कर्स काम करते हैं. इन द मर्कर्स रैंकिंग दीज थ्री सिटीज़ आर स्टिल वेयर दे वर लास्ट ईयर. हाउएवर इस्लामाबाद, लागोस एंड अबूजा हैव द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद, लागोस और अबूजा में जो है सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वहाँ पर कम खर्चा आता है, ये आपको ध्यान रखना है. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. हांगकांग एंड सिंगापुर द अदर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन एशिया इंक्लूड शंघाई, सॉरी बीजिंग एंड सियोल एज पर द रिपोर्ट. सम ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज लाइक आई टोल्ड यू कराची, बिश्केक, इस्लामाबाद, ये आपको ध्यान में रखना है. The report analyzed 226 cities, compared the cost of over 200 items in each location, such as transportation, food, clothing, household goods, and entertainment. तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेटिंग जो है दी गई है clothing, housing, goods, and entertainment, etc. Mumbai is the highest Indian city, taking 136th place, while the national capital Delhi moved up 4 spots to 165. तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा है मुंबई, मुंबई के बाद फिर हमारा जो दिल्ली है वो 4 स्थान ऊपर वो आ चुका है. अदर इंडियन सिटीज नॉट फीचर ऑन द लिस्ट इंक्लूड चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे एंड कोलकाता. तो ये भी हमारी इंडिया की कुछ कॉस्टली सिटीज़ है जो लिस्ट में शामिल है. चलिए भाई आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. अगेन इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़. Adani Group announced as principal sponsor of Indian team at 2024 Paris Olympics. Very important news. ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. तो वन लाइनर भी आपको ध्यान रखना है कि अदानी ग्रुप जो है अब प्रिंसिपल स्पॉन्सर है भारतीय टीम का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में. गौतम अडानी, द चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप, अनाउंस दैट द कंपनी विल बी द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम कॉम्पीटिंग इन द 2024 ओलंपिक्स इन पेरिस, विच इज अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडियन स्पोर्ट्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन एथलेटिक्स प्रिपरेशन फॉर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एथलेट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड हैज बीन रीच्ड विद दिस अनाउंसमेंट. अडानी ग्रुप टू स्पॉन्सर इंडियन टीम फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024, ये आपको ध्यान रखना है. कैंपेन लॉन्च्ड विद थीम, बहुत इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क करिएगा, देश का गीत एट ओलंपिक्स, ये आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है. फोकस ऑन एथलीट्स एडुकेशन एंड नेशनल प्राइड, पार्टनरशिप विद मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, सपोर्टेड द हॉन्गकॉन्ग एशियन गेम्स 2022 कंटिंजेंट. तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स, बट आपको ध्यान रखना है अडानी ग्रुप के साथ साथ जो है ये कैंपेन लॉन्च किया गया, देश का गीत एट ओलंपिक, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए भाई अगली न्यूज, नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल की अवार्ड एंड ऑनर्स की न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सबके सब वॉरियर्स. पीएम मोदी अवार्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमारे जो है यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न होता है, वैसे ही जो है आपको ध्यान रखना है रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, फर्स्ट कॉल्ड अ हाई सिटीजन अवार्ड फ्रॉम रशिया,
was recently given to Prime Minister Narendra Modi. President Vladimir Putin gave this award to the group. ये आपको ध्यान रखना है. The award is given to Modi in recognition of his outstanding contributions. ये आपको ध्यान रखना है. बहुत ज़्यादा काम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनकी outstanding contributions को लेके जो है ये award दिया गया है. Russia's top citizen award is the Order of Saint Andrew the Apostle, the first called. The name comes from the Saint Andrew, the first companion of Jesus and the patron saint of Russia. यहाँ से इसका नाम लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है. It was founded in 1698 by Tsar Peter the Great. In the past, it has been given to people who had exceptional civilian or combat service. Very, very important. चलिए भाई, सबका फेवरेट टाइम आता है, क्लास का रिवीजन करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश. विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर्स आर इन्वॉल्व इन द बैलिस्टिक 2024 एक्सरसाइज. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल. हाँ जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर्स है ये इन्वॉल्व है. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज द कन्वीनर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंटेड बाय द 16th फाइनेंस कमीशन. हाँ जी चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड. बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स. आपको ध्यान रखना है, पूनम गुप्ता इज दी राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच इंडियन सिटी इज रैंक्ड हाईएस्ट ऑन मर्कर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग लिस्ट इन 2024. भारत की कौन सी सिटी है, भारत की पूछा गया है आपसे. इंटरनेशनल लेवल पे सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग आपको ध्यान रखना है, भारत की कौन सी है. लेकिन very important. बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, मुंबई is the correct answer. अगला question, who will be the principal sponsor of Indian team at the 2024 Paris Olympics? Tata Group, Reliance Industries, Adani Group या Infosys? बिल्कुल सही है, अडानी ग्रुप आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अवार्ड वाज रिसेंटली गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय रशिया. हाँ जी, भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, द अपोस्टल फर्स्ट कॉल्ड, पद्म विभूषण या फिर लीजन ऑफ ऑनर. चलिए शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है,
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल फर्स्ट कॉल्ड। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार भाई देखिए क्लास को जो है रिवाइज ज़रूर करिएगा वॉरियर्स। उसके अलावा जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि अब एग्ज़ाम पास आता जा रहा है तो आपको जो है रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स लगानी है। एंड जितनी भी कैटेगरीज में आपको बताता हूँ, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, साइंस एंड टेक, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ओबिचरी, ठीक है, उसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और कुछ कैटेगरी छूट गई है तो आपको उसको कवर करना है लास्ट 4 से 5 महीने की। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं वॉरियर्स। एम्बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करिए, लेंस को भी डाउनलोड करिए, बहुत यूज़फुल है। टाइम टेबल आपके सामने है, आप इसको सेव कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आपने वॉरियर्स ज्वाइन नहीं किया है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 24/7 आप डाउट व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल की डेली करंट अफेयर्स में। टिल टाइम गाइस टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.